अस्सलाम वालेकुम, तमाम राइडर्स खुश हो जाएं, ठीक है। स्पेशल ऑफ़र फूड पांडा की तरफ से आ चुका है, 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर के इजाफी इंसेंटिव्स के साथ जो है आपको चार्जेस दिए जाएंगे, यानी पूरा हफ्ता कमाने का ज़्यादा मौका मिल रहा है आप लोगों को। तो ये अपडेट आई है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। दिन में लगातार ऑर्डर्स और ठंडी रातों में इजाफी अर्निंग से अपनी अर्निंग बनाएं सबसे ज़्यादा। लेट नाइट 35 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे रात 1 बजे के बाद से, ठीक है। तमाम जोन्स के ऊपर ये एक्टिवेट किया जाएगा। और लंच टाइम अगर होगा दोपहर के वक्त तो 1 PM to 5 PM 5 बजे तक जो टाइम होगा 1 से 5 बजे दोपहर में, तो ₹30 होंगे महमूदाबाद और सदर की साइड पर, ₹25 होंगे कोरंगी से मलीर और PCHS पर, ₹15 गुलशन पर और ₹10 DHH जौहर नॉर्थ नाजमाबाद पर। इसके अलावा डिनर टाइम जो होगा 8 से 12 का, उसमें भी आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जा रहे हैं। 35 होंगे कोरंगी साइड पर, ₹30 होंगे मलीर महमूदाबाद PCHS पर, 25 एक्स्ट्रा रुपीज़ होंगी सदर पर, ₹20 DHA गुलशन नॉर्थ कराची नॉर्थ नाजमाबाद और जौहर पर। स्पेशल इंसेंटिव ये दूर दराज के इलाकों के लिए ₹30 ऑल डे पूरा दिन चलाने के, गुलशन हदीद में जो चलाएगा ₹30 हर ऑर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा है, और ₹40 8 PM से लेके 1 AM तक गुलशन है मेमार की तरफ, तो ₹45 12 PM से 12 AM औरंगी टाउन। तो ये ऑल डे पैकेज है, ये जो उस एरिया में काम करते हैं उन राइडर्स के लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो कराची वीकडे, हम जानते हैं कि आप 8 नवंबर 11 नवंबर में जितने ज़्यादा ऑर्डर करके अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, तो इसका तरीका देखें यही है। 90 ऑर्डर्स के ऊपर फिर एक्स्ट्रा बोनस आपको दिया जा रहा है ₹700 का, 105 ऑर्डर्स के ऊपर ₹1400 का, 115 ऑर्डर्स के ऊपर ₹2100 का और 130 ऑर्डर्स के ऊपर ₹3500 का इजाफी बोनस आपको दिया जाएगा। मुझे तो अच्छा लगा ये सब करके, क्योंकि इस वीक पर अगर हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारी बेस्ट होगी और अर्निंग भी ज़्यादा होगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं क्या ये ऑफ़र आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताएं और हमें आगाह करें। मज़ीद इस तरीके की अपडेट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की अपलोडेड वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।